बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर द एनिमल वर्ल्ड के टॉपिक ग्रो और चेंज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था द लाइफ साइकिल, इसी तरह आज जो है इस चैप्टर के अगले टॉपिक ग्रो और चेंज को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं लर्निंग आउटकम्स के। आज के इस लेक्चर को समझ लेने के बाद आपके लर्निंग आउटकम्स मतलब पढ़ने के नताइज क्या क्या आएंगे सामने। यू शुड बी एबल टू नो व्हाट इज़ अ लाइफ साइकिल, ग्रो और चेंज। हम जो है ये जान लेंगे कि लाइफ साइकिल क्या है, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज रिपीट करने का मकसद ये है कि आप सबके लिए इसे एक बार दोबारा समझने में आसानी हो। ग्रो और चेंज मतलब बढ़ना या तब्दीली आना। चैप्टर द एनिमल वर्ल्ड है हमारा। सबसे पहले आता है व्हाट इज अ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है? अ लाइफ साइकिल इज ऑल द चेंजेस दैट एन एनिमल गोज थ्रू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लाइफ साइकिल जो है उस साइकिल को कहते हैं इंसान की ज़िंदगी की वो साइकिल जो कि उसमें तब्दीली ला रही होती है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंसान, मतलब तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, उन तमाम की ज़िंदगी में जो है चेंजेस आते रहते हैं। तो उनसे, उनके पैदा होने से लेकर मरने तक जितने भी चेंजेस आते हैं, इन तमाम चेंजेस को क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली एनिमल्स डेट हैव अ लाइफ साइकिल, एवरी लिविंग थिंग हैज़ अ लाइफ साइकिल। सिर्फ एनिमल्स में जो है लाइफ साइकिल मौजूद नहीं होती, मतलब दुनिया में मौजूद हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है लाइफ साइकिल का प्रोसेस होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है पैदा होने से लेकर मरने तक अपने अंदर कोई ना कोई चेंजेस लाता रहता है। तो उन चेंजेस को क्या क्या नाम दिया गया है? लाइफ साइकिल का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन एनिमल डाइज, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स बॉडी गो इनटू सॉइल। जब एक जानवर मर जाता है तो क्या होता है, उसकी बॉडी से तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो अच्छी, जो ताकत, ऐसी गिज़ाएँ जो कि हमें ताकत दे सकती हैं, वो तमाम गिज़ाएँ एक जानवर की बॉडी में मौजूद होती हैं, और वो तमाम चीज़ें जो है मिट्टी में जाकर मिक्स हो जाती है, सॉइल में जाकर मिक्सअप हो जाती है। दीज आर यूज्ड बाय द प्लांट टू हेल्प देम ग्रो। और फिर क्या होता है, जब वहाँ पर प्लांटेशन की जाती है या वहाँ पर पानी अगर ज़्यादा गिरता है, तो उससे ये होता है कि वहाँ पर जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, वो प्लांट को मतलब प्रोड्यूस होने में जो है मदद करती है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स। आप सबके अगर इल्म में हो कि जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र से मुराद खाद, जो मट्टी हम पौधों में लगाते हैं, वो मट्टी भी जो है एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल को मिलाकर बनाई जाती है। अगर आपने गाय का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उन तमाम को मट्टी में मिलाकर जो है वो खाद बनाई जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि उनके वेस्ट मटेरियल भी जो है एक फ़ायदेमंद हैं प्लांट्स के लिए, कि वो प्लांट्स को जो है ग्रो करने में आसानी पैदा कर रहे हैं। अदर एनिमल्स फीड दीज प्लांट्स। इन दिस वे इवन अ डेड एनिमल कैन हेल्प द लाइफ साइकिल्स ऑफ अदर एनिमल। अब होता क्या है कि जब एक एनिमल मर जाता है, मतलब एक जानवर मर जाता है, उस जानवर के मर जाने के बाद वो तमाम न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में जो मौजूद होते हैं, वो ज़मीन में मट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद जो है जब वहाँ पर प्लांट बढ़ते हैं, तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जब वो प्लांट के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स पहुँच जाते हैं, तो हर एनिमल जो है प्लांट खाता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को खाना पसंद करते हैं, तो वो एनिमल जब उन प्लांट्स को खाते हैं, तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के थ्रू किसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एनिमल्स में दोबारा ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम ये जो साइकिल है ये इसी तरह रिपीट होती रहती है। एनिमल्स के ज़रिए ज़मीन में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मिक्स हो गए, और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के साथ जाकर भी मिक्स हो गए, मतलब प्लांट्स में ट्रांसफ़र हो गए। फिर वो प्लांट्स के ज़रिए जब वो एनिमल खाएंगे उन प्लांट्स को, तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के थ्रू एनिमल में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है। आज के टॉपिक की हमारी मेन हाईलाइट जो कि क्या है, ग्रो और चेंज, मतलब बढ़ना या अपने अंदर तब्दीली लेकर आना। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो कि बढ़ता है,
फिर वो एडल्ट हो जाता है, फिर वो एक मतलब जेंट्स रूप में आ जाता है, अपना अपने जो है मतलब फिजिकली जो है काफ़ी सारी चेंजेस अपने अंदर लेकर आ रहा है। तो इस तमाम चेंज को क्या कहा जाता है? वैसे तो लाइफ साइकिल ही कहा जाता है, और ग्रो और चेंज मतलब बढ़ना या तब्दीली आना। एवरीथिंग ग्रोज बिगर, एवरी लिविंग थिंग ग्रोज बिगर, तमाम जानदार जो हैं बढ़ते रहते हैं, तमाम जानदार। अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक डॉगी है, वो डॉग जो है सिर्फ बढ़ने की सलाहियत रखता है, तो ये गलत है। मतलब हर एक जानदार जो है बढ़ने की सलाहियत रखता है। वन डे द पपी विल बी एज बिग एज अ फुली ग्रोन डॉग। अब जो ये पपी यहाँ पर मौजूद है, पपी कहते हैं डॉग के बच्चे को। अब जो ये यहाँ पर मौजूद है, एक दिन ऐसा आएगा बढ़ते बढ़ते वो इस फुली ग्रोन डॉग के मुकाबले में आ जाएगा। मतलब उसकी लाइफ के अंदर इतने चेंजेस आएंगे, पहले वो छोटा होता है, छोटा होने के बाद जो है उसके अंदर चेंजेस आते हैं और वो बड़ा हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक डॉग की लाइफ साइकिल है। पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी मतलब बॉडी में फिजिकली जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं, वो तमाम चेंजेस क्या कहलाएंगे? उसकी लाइफ साइकिल का हिस्सा कहलाएंगे। वन डे द बेबी फिश विल बी एज बिग एज फुली ग्रोन फिश। अब जो छोटी छोटी आपने मछलियाँ देखी होगी, वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बढ़कर एक बड़ी मछली की सूरत इख्तियार कर लेगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये काफ़ी छोटी है बमुकाबल इसके। अब जब ये छोटी है, एक दिन ऐसा आएगा बढ़ते बढ़ते वो जब गिजाएं लेगी, न्यूट्रिएंट्स लेगी, अपने अंदर जो है तमाम चीज़ों को जज्ब करेगी, खाना पीना उसका बेहतर होगा, तो उससे क्या होता है कि इंसान की लाइफ साइकिल में भी चेंजेस आते रहते हैं, मतलब उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ये जो छोटी फिश है, एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी बड़ी हो जाएगी। अगर हम इंसान की ही बात कर लें, एक वक्त ऐसा था कि हम भी जो है काफ़ी छोटे हुआ करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इंसान जो है फिज़िकली तो चेंज होता है, फिज़िकली फिज़िकली मतलब कद में, रूप में, चेहरे में, हर एक चीज़ में, इसे हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। अब वो फिज़िकली चेंज तो हो रहा है, फिज़िकली चेंज होने के साथ साथ जो है वो मेंटली तौर पर भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, मतलब मेच्योर हो रहा है। अब ये क्यों? क्योंकि ये उसकी लाइफ साइकिल का हिस्सा है। पहले जो है इंसान को नहीं पता होता कि खाना जो है खुद से खा सकते हैं। जब वो छोटा होता है तो उसकी माँ, उसके पेरेंट्स जो हैं उसे खाना खिलाने में मदद करते हैं, उसे हर एक चीज़ में जो है उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन जब वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसे हर एक चीज़ की समझ आने लगती है, सही गलत क्या है, अच्छा बुरा क्या है, तो वो उन तमाम चीज़ों को जो है सीखता है। और वो सीख कैसे आती है? जब वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं इंसान के अंदर। इंसान जो है जब अपने आसपास मौजूद चीज़ों को खुद से ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। लाइक द पपी एंड द फुली ग्रोन डॉग, सम एनिमल्स लुक वेरी सिमिलर थ्रू आउट देयर लाइव्स। वी कैन से डैट दे हैव ग्रोन बट देयर फिजिकल फीचर हैव नॉट चेंज्ड वेरी मच। जिस तरह एक पपी जो है वो बढ़कर एक डॉग की शक्ल में आ गया, उस तरह जो है तमाम एनिमल जो है काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो कि बचपन से लेकर अपने मरने तक जो है एक ही जैसे नज़र आते हैं। बस उनमें फ़र्क आता है, तो वो किस चीज़ का फ़र्क होता है? वो होता है फिज़िकल चेंज। जैसे कि अगर आप इस बैकग्राउंड में देखें तो एक पिक्चर है हॉर्स की, हॉर्स के साथ जो है काफ मौजूद है। काफ जो है हॉर्स के बच्चे को कहा जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ देखें तो वो ये हैं कि जब वो काफ जो हॉर्स का बच्चा है छोटा, वो काफ जो बेबी है वो दिखने में पूरा हॉर्स जैसा है, उसकी जिसामत पूरी हॉर्स जैसी है, बस वो फिजिकली फीचर्स जो हैं उसके अंदर अब तक इतने बिल्डअप नहीं हुए, मतलब वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, वो अपने उस पेरेंट के मुकाबले में नहीं आया। फ़र्क किस चीज़ का है? सिर्फ और सिर्फ साइज़ का है। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, चेहरा, बाल वगैरह, हर एक चीज़ बॉडी पर, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, बस फ़र्क किस चीज़ का है? वो है फिज़िकली फीचर्स का। वो जो है मतलब हाइट में कम है, हेल्थ में कम है, बस वो फ़र्क इतना है कि हॉर्स जो है हाइट में ज़्यादा है और हेल्थ में ज़्यादा है। तो कहने का मकसद ये है यहाँ पर कि तमाम एनिमल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि बचपन में कुछ और हों, बड़े होकर कुछ और हों, मतलब उनके अंदर इस तरह के चेंजेस हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बचपन से लेकर थ्रू आउट द लाइफ, उनकी पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में जो है वो उसी तरह ही रहते हैं, बस जो फ़र्क आता है वो इतना सा होता है कि वो फिज़िकली चेंज हो जाते हैं। अगर हम बात करें इंसान की, तो इंसान जो है जब छोटा होता है
तो कम उम्री में जो है कभी किसी की बियर्ड और मुस्टेच वगैरह नहीं आती, दाढ़ी मूछे नहीं आती। जैसे ही वो बढ़ता रहता है, बढ़ने के साथ साथ उसमें फिजिकल चेंज ऐसा आता है कि वो जो है दाढ़ी मूछे बढ़ा पाता है। तो ये क्या होता है, लाइफ के स्टेजेस होते हैं, जब ये एक स्टेज क्रॉस कर लेता है तो उस स्टेज में जो है उस अब दाढ़ी मूछे बढ़ाने के मतलब काबिल हो चुका है कि वो जो है कुदरती तौर पर उसकी दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जो है कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि पूरी ज़िंदगी एक ही जैसे लगते हैं, बस फ़र्क आता है तो वो उनके फिजिकल चेंज में फ़र्क आता है। सम एनिमल्स लुक वेरी डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर लाइफ। कुछ जानवर जो हैं ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में जो है अलग अलग नज़र आते हैं, ज़िंदगी के हर एक स्टेज में जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। दे हैव ग्रोन एंड देयर फिजिकल फीचर हैव ऑल्सो चेंज्ड अलॉट। वो जो है बढ़ जाते हैं, बढ़ने के साथ साथ जो है उनके फिजिकल फीचर याद रखिएगा, उन्हें कहते हैं ऐसे फीचर्स जो कि जिन्हें हम देख सकते हैं। फिजिकल फीचर्स जो है वो भी बदल जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बेबी पांडा मौजूद है और ये पांडा है। जब ये पांडा पैदा होता है तो ये पिंक कलर का होता है, इस तरह से पिंक कलर का होने के साथ साथ वो ब्लाइंड होता है, मतलब अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाता, और उसके साथ साथ उसकी बॉडी पर हेयर्स भी मौजूद नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ता है उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, तो लाइफ साइकिल चलते रहने के साथ साथ उसमें ग्रो और चेंज, या बढ़ना और तब्दीली आना, ये दोनों जो है लाइफ साइकिल का हिस्सा है, तो वो भी उसके साथ साथ इस बेबी पांडा में आता रहता है। फ्रॉम वाटर टू लैंड फ्रॉग्स डोंट जस्ट लुक डिफरेंट वेन दे आर यंग टेडपोल्स। फ्रॉग जो है जब छोटे होते हैं तो वो टेडपोल्स होते हैं। टेडपोल्स किस तरह होते हैं, अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये जो सेकंड डायग्राम है यहाँ पर अगर आप देखें, ये छोटे छोटे से जो घूम रहे हैं इन्हें हम टेडपोल्स कहते हैं। फ्रॉग ये जो आपको दिख रहा है, ये फ्रॉग जब पैदा होता है तो ये इस तरह टेडपोल की सूरत में होता है। अब जाहिर बात है जब एक टेडपोल अचानक से बड़ा होकर फ्रॉग बन जाए तो हमारे लिए तो काफ़ी मतलब हैरानकुन बात होगी कि कल ही मतलब इतना छोटा सा था आज इतना बड़ा हो गया, पहचानने में मुश्किल आती है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बचपन से लेकर बड़े होने तक जो है अपने अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं लाते। चेंज लाते हैं तो फिज़िकल फीचर का, और कुछ ऐसे लाते हैं जो कि अपने आप को जो है काफ़ी तरह से चेंज कर लेते हैं। दे लिव डिफरेंटली एज वेल एज टैडपोल दे लिव अंडर वाटर एज एडल्ट फ्रॉक्स ऑल्सो लिव ऑन लैंड। जब ये फ्रॉग जब टेडपोल की सूरत में होते हैं, जब ये छोटे होते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पानी में रहना पसंद करते हैं, ये लैंड पे मतलब ज़मीन पर रहना पसंद नहीं करते। और जैसे ही ये बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद जब ये फ्रॉग बन जाते हैं, तो ये कहीं भी पानी में और ज़मीन में रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन पर रहना प्रेफर करते हैं ये। अब कहने का मकसद ये है कि फ़िज़िकल फ़ीचर चेंज होने के साथ साथ इनकी आदतों में भी फ़र्क आना शुरू हो गया। जैसे ही लाइफ साइकिल चलती रही, आदतों में भी फ़र्क आया और फिज़िकल फ़ीचर्स में भी फ़र्क आया। अब अगर आप ये देखें तो ये डायग्राम जो है, ये एनिमेटेड पिक्चर इस चीज़ को जाहिर कर रही है कि एक टेडपोल जो है टेडपोल से फ्रॉग में किस तरह चेंज हो रहा है। अगर आप इसे गौर से देखिएगा तो समझ आएगा। पहले एग होता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से एडल्ट। एडल्ट मतलब नाउ दिस फ्रॉग हैज़ बीन फुली ग्रोन। एड स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जो है हम आने वाले लेक्चर्स में या टॉपिक्स में जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पर एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको जो है इंशाल्लाह समझ आएगा। ये पहले टेडपोल था, ये देखिएगा टेडपोल। अब ये टेडपोल से जो है अपने आप को चेंज कर रहा है एडल्ट में। नाउ द टेडपोल हैज बीन चेंज्ड इनटू अ फुली ग्रोन फ्रॉग। अब वो फर्क इस तरह था, जब ये टेडपोल था तो टेडपोल होने के साथ साथ ना इसके लिम्स मौजूद थे, ये जो पांव हैं, ये जो हाथ हैं, इसे हम लिम्स कह सकते हैं, ये लिम्स जो है पहले मौजूद नहीं थे। ये फोर लिम्स जो हैं, जब ये एडल्ट फॉर्म में गया तब इसमें जो है ये लिम्स है, और लिम्स आने के साथ साथ जो है इसकी जो टेल थी टेडपोल जब ये था, जब तो उस वक्त जो है उसकी टेल हुआ करती थी। ये जो टेल आप देख सकते हैं, ये टेल भी जो है हट गई
और उसके लिम्स भी आना शुरू हो गए। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है इंसान किसी भी जानवर, कोई भी जानवर हो, दुनिया का हर एक जानवर में जो है चेंजेस आते रहते हैं। आपका असाइनमेंट है, आपने कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ चैप्टर द एनिमल वर्ल्ड। लास्ट लेक्चर में जो है द एनिमल वर्ल्ड का टाइटल पेज बनवाया था। टाइटल पेज बना लेने के बाद नेक्स्ट पेज पर जो है आपने डेट लगाकर, पेज नंबर मेंशन करके, इंडेक्स मेंटेन करके, आप सब ने जो है एनिमल वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, आप सब स्क्रीनशॉट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लीजिएगा। व्हाट इज़ अ लाइफ साइकिल? अ लाइफ साइकिल इज ऑल द चेंजेस दैट एन एनिमल गोस थ्रू फ्रॉम बर्थ टू डेथ। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट डिफरेंट वेज डू एनिमल चेंज एज दे ग्रो? एनिमल चेंज इन साइज, कलर, शेप एंड बिकम बेटर एट सर्वाइवल। ये दो क्वेश्चंस जो है आपने कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चंस को ब्लू कलर से लिखने का मकसद ये है कि आपने भी जो है क्वेश्चंस ब्लू कलर से ही लिखने हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।